सबको अलाउ कर देना, जैसे को कोई ऐसा बच्चा नहीं जो फी पेइंग ना हो। दो गए स्टूडेंट्स आ गए। ओके हां जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम है। यस जी स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस मैम। यस मैम जी, कैसा गुजरा वीकेंड आपका बच्चों? अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा, मुझे तो लगता है लिखते लिखते ही गुजरता है आपका वीकेंड, धड़ाधड़ काम आ रहे होते हैं ग्रेड 9 के। मैम काम तो पहले के ही किए होते हैं, सेंड कर लेट करते हैं बस। अच्छा, रात के 1 बजे सेंड हो रहे होते हैं? मैंने सुबह उठ के देखे इतने सारे मैसेजेस, 63 मैसेजेस थे, तो मैंने कहा ये बच्चे सारी रात लगता है बैठ के काम करते रहते हैं। मैम अगर हम लोग रात के 1 बजे भी काम सेंड करें तो काउंट होता है कि कर लिया है? वैसे ना आपको मैं बताऊं, इतनी लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे वो तो जैसे मैंने शाम में कंप्लीट कर दिया था, अब जिसका एक बच्चे का अब आया है फिर मुझे दोबारा से वो रिकॉर्ड पिछला देखना होगा कि उसमें मैंने जहां एब्सेंट 0 कर दिया उसको मुझे मार्क करना होगा। तो आपको एटलीस्ट 10 o'clock चले इस लिमिट, संडे की 10 o'clock तक, क्योंकि हम लोग तो सो चुके, अब मैंने उठ कर देखे हैं मैसेजेस, ये कि आप थोड़ा सा टाइम अपना मेंटेन करें ना इसके लिए, ठीक है? वैसे तो अच्छी बात है, आप लोग बड़े एनर्जेटिकली काम जो है वो कर रहे हैं, बड़ी एनर्जी से काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे के थोड़ा सा टाइम अगर मैनेज हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई काम सबमिट हो और हम उसको फिर, मतलब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसे कंसिडर ना करूँ, हालांकि मैं सागिया ने तो कहा है आप टाइम लिमिट अगर ना हो तो 0 करें, लेकिन मुझे होता है कि चले दे दिया ना बच्चे ने तो मैं उसको, लेट भी अगर सबमिट हुआ है तो मैं उसको कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वापस चीज को भी स्ट्रीमलाइन कर, ठीक है? ओके अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट अटेंडेंस फर्स्ट। आ चुके हैं सब पार्टिसिपेंट्स आई थिंक, मी चेक। जी स्टार्ट करते हैं, ताहा ताहिर प्रेजेंट, आमना नईम प्रेजेंट। मैम मेरा काम आपने देख लिया था? आपका तो नहीं है, आयशा का आया है लेट नाइट, एक्चुअली आपके उसके पे साथ। मैम मैं एक दफा फिर से सेंड कर दूं? हमारा सेंड करें फिर, वैसे मैं 7 का तो बहुत पहले ही आ गया था, आपका तो मुझे नहीं, आशा का आया रात में, आयान का आ गया था, आमना का आ गया था, 7 का सिर्फ अनीन रह गई है, और आपका तो मुझे नहीं नजर आया। चलें आप दोबारा सेंड करो, रीसेंड कर दो। ओके आयशा, आयशा इज देयर? यस मैम प्रेजेंट। अनीन, अनीन आमिर था, आप एक दफा देखना। हनीन आमिर, हनीन आई थिंक इज नॉट हियर। ओके साद बिन आमिर प्रेजेंट मैम। आयान अहमद प्रेजेंट मैम। ओके ताहा प्लीज रीसेंड योर वर्क। ओके ओके मैम। ओके जी, जी साद, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? मैम डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड रफेज। मैम डाइटरी फाइबर्स आर गुड फॉर आर इनडाइजेस्टिबल एंड दे पास इजीली थ्रू स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड टेक द थिंग्स विद देम एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन इज वी डू नॉट हैव अ कॉन्स्टिपेशन। ओके एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स? 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? मैम बताता चलें, इट्स ओके मैं बताऊं। जी जी आयान, यू
ये जो बच्चे स्लो हो जाते हैं ना, इसका मतलब होता है अब आप बुक देख रहे हो, इसलिए फिर मुझे आइडिया हो जाता है. इट्स ओके आयान, नेक्स्ट यू. जो इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर होता है ना, वो जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, ट्रेवल्स क्विकली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. और इसमें आ जाते हैं आपके स्किन्स ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, सीरियल्स आ जाते हैं आपका, और शायद मैंने वीट भी एक है. ठीक है. And soluble dietary fibers. तो दूसरी चीज है वो है soluble dietary fiber. जो soluble dietary fiber होते हैं वो breaks down हो जाते हैं और फिर वो elementary के नाल से मेरे ख्याल से पास हो जाते हैं. बेटा पास तो एक ही जगह से होना है, एक ही ट्रैक होता है ना. अभी नेक्स्ट आप टॉपिक जो पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम यही देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में पार्ट्स है. रास्ता तो एक ही है बस, pods और beans आ जाते हैं. रास्ता तो एक ही है सॉल्युबल में, ये कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जबकि इन सॉल्युबल ब्रेक डाउन नहीं होते, लॉन्ग फाइबर्स की फॉर्म में पास आउट होते हैं. ठीक है. ओके ओके. अच्छा जी ताहा. ताहा व्हाट इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन? जी व्हाट इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन? Asha, can you tell? Yes, ma'am. Ma'am, question repeat kar de please. Aapki awaaz nahi aa rahi. What is protein energy deficiency malnutrition? What is PEM? Ma'am, batao. Ji, bataiye Taha, bataiye Haria. Protein energy malnutrition, wo protein energy undernutrition ya wo define ki jati hai. और इसकी टू एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जो डिजीजेस बताई हुई है, कौन कौन सी हैं वो? क्वाशियर कोर और मैस्ट्रॉस. चलें ठीक है. ओके लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज topic. Amna is also there? Yes, miss. Okay, Amna reh gayi. Aapse koi question nahi kiya maine. Chale aaj chhod dete hain, hum aage chalte hain inshaallah fir kal. Chale ji, move on to the topic. Today's topic hamara aaj jo students topic hai na, ye inshaallah I will try to complete this. Uske baad fir kal se hamara regular jo human digestive system hai na wo start hoga. क्योंकि ये जो हम टॉपिक्स अभी तक कर रहे हैं ऐसे ही जैसे जनरल साइंस होती है ना, जस्ट रिलेटेड टू लर्निंग. इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल काम नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज नथिंग एल्स. लेकिन कल से इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा. वो थोड़ा टेक्निकल है, उसमें टर्मिनोलॉजीज एंड डिफिकल्ट, तो फिर उसको देखेंगे ड्रामेटिकली. आज हमारा जो है कहाँ से हमने स्टार्ट करना था, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस. प्रोटीन देख लिया था. जी जी मैम, आप इस चैप्टर के बाद 9 चैप्टर करवाएंगी या 7 करवाएंगी? बता दें आप, जैसे आप कहते हैं. मैं 7, वैसे 7 चैप्टर पता है कब होना चाहिए? When we will be in school, ताकि डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर मैं सारे प्रोसीजर्स आपको समझा सकूं ना. उसमें केमिकल फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, तो लेकिन फिर भी आप देख लो, इट्स अप टू यू. आप चाहते हैं तो मैं इसी तरह पढ़ा दूंगी, क्योंकि जितना मर्जी हम एफर्ट कर लें 100% मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती इस मेथड से. ऑनलाइन काम तो चल रहा है लेकिन वो चीज नहीं है जो कि क्लास में होती है. तो आई रेफर कि हमें क्लासरूम में ही चैप्टर 7 को करना. वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको, एक एक दो टॉपिक नहीं, फोर चैप्टर आई विल टीच यू. अब आप देख लो, डिसाइड कर लो आपस में, जैसे होगा फिर देख लें आप जैसा कहेंगे. चलें जी, मिनरल डेफिशिएंसी. अब मिनरल्स में हमारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फेट है, आयोडीन है. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना मिनरल न्यूट्रिशन. अब उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीजेस आएंगी हमारी? सबसे पहले जो नाम है दैट इज गोइटर. और ग्वाइटर जो है इट्स अ डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द मिनरल आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से
अगर आपकी डाइट में आयोडीन ना हो तो ये वाली डेफिशिएंसी हो होने के से जो बीमारी जो डिजीज कॉज होगी उसका नाम क्या है ग्वाइटर, और नेक जो है ह्यूमन बीइंग्स की जो गर्दन है वो क्या हो जाती है स्वेल कर जाती है, क्योंकि हमारे नेक में एक ग्लैंड मौजूद है नॉन एस थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे नाम भी लिखा होगा इसका थायराइड ग्लैंड्स जो कि नेक में प्रेजेंट है, और ये ग्लैंड्स क्या काम करते हैं दे रिलीज स्पेशल हार्मोन्स, लेकिन स्पेशल हार्मोन्स फॉर डिफरेंट ग्रोथ, लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करते एंड दे बिकम इनलार्ज्ड, वो साइज में बड़े हो जाते हैं और गर्दन जो है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है आयान बेटा स्टार्ट रीडिंग दिस दीज लाइंस, इफ देयर इज सम डिफिकल्ट वर्ड आई विल एक्सप्लेन। ओके मैम, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, रेयर डिजीज। दीज डिजीज are relatively rare among humans. Example, the examples of mineral deficiency disease are goiter, anemia. Goiter cause, it is caused by an insufficient amount of iodine in diet. Functions of iodine. Iodine is used by a thyroid gland to produce hormones that control body normal functioning and growth. Deficiency of iodine. If sufficient iodine is not available in a person's diet, thyroid gland becomes enlarged and it results in a swelling in neck. This condition is known as goiter. जी स्टूडेंट्स, आप वैसे अपनी डाइट में कहाँ से लेते हो आयोडीन, कुछ आइडिया है आयोडीन कहाँ से मिल रहा होता है आपको? आयोडीन नॉर्मली हम अपनी डाइट में लेते हैं सॉल्ट के थ्रू, अक्सर आप ग्रोसरी करते हैं तो सॉल्ट्स के पाउच के ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। ठीक है, तो हमें ऐसा सॉल्ट यूज करना होता है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो। ठीक है, ये आई थिंक पिछले टॉपिक के दो ये आ गए केसेस ना, कौन कौन से केसेस हैं ये? एक तो क्वाशरकोर है और दूसरा मरास्मस की पिक्चर्स शायद उस दिन नहीं आई थी। अच्छा जी, एनेमिया, एनेमिया भी मोस्टली ये छोटे बच्चों में और लेडीज में ज्यादा कॉमन डिजीज है। इट्स अ लैक ऑफ ब्लड, बॉडी में जब ब्लड कम हो तो एनेमिया कॉज हो जाता है, और इसकी वजह क्या है, रीजन इसकी क्या होती है, लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। क्योंकि आयरन क्या काम करता है, आयरन जो है, आयरन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है ब्लड का, इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा अब्सॉर्ब होगी उतने ही ऑक्सीजन बॉडी में मूव करेगी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ऑक्सीजन अच्छी होगी तो हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल रही होगी। ठीक है ना, तो अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन सेल भी नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा सॉरी तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, एनीमिया है, हु विल रीड दिस? साथ बेटा आप रीड कर लो। एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। द टर्म एनीमिया लिटरली मींस अ लैक ऑफ ब्लड। इट इज कॉज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रिड्यूस्ड एंड द नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन द सिंगल एटम ऑफ आयरन एट इट्स सेंटर। If body fails to receive sufficient amount of iron, if adequate number of hemoglobin molecules are not formed, this way there are not enough functioning of red blood cell, the patient is weak and there is shortage of oxygen supply to body cell. जी जी बिल्कुल, anemia की वजह से oxygen supply की shortage हो जाती है due to the lack of iron. मिनरल, और आयरन मिनरल कौन सा मॉलिक्यूल बना रहा है ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, हीमोग्लोबिन। हु विल रिपीट दिस? ताहा आप बताओगे मैंने क्या बताया, व्हाट इज एनीमिया? आपने कहा कि एनीमिया वो रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक उसके अंदर आयरन भी होता है। ठीक है, तो अगर बॉडी के पास आयरन ना हो और तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग नहीं होती है। क्या फंक्शनिंग है रेड ब्लड सेल्स की? दे अब्सॉर्ब ऑक्सीजन,
ठीक है, जब हम सांस लेते हैं ना जी, व्हेन वी ब्रेथ तो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है ना उसमें सेंटर में तो आयरन होता है एटम, और उसके इर्द गिर्द इट इज सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, और नाइट्रोजन एटम आगे से सराउंड कर रहा होता है उसके आगे, मतलब ये एक लॉन्ग चेन फॉर्मूला है, और उसके आगे जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लगे हुए होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और एनीमिया की वजह से जो कलर है किसी भी ह्यूमन बींग का, इफ इट इज एनेमिक तो उसका कलर पिंकिश नहीं होगा बल्कि पेल येलो कलर होता है, ठीक है। अच्छा जी, और ओवर इनटेक ऑफ नॉट न्यूट्रिशन, और इसको क्या बोल रहे हैं, ओ आई एन, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। ये इस तरह के जो एब्रीविएशन है ना इस चैप्टर में मोस्टली दे समटाइम्स ये एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ओवर इनटेक का हमें पता ही चल रहा है नाम से कि अगर आप ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं है आपको उससे ज्यादा ले रहे हो, तो वो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगी। और अक्सर लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। ओवर इनटेक कब होता है, जब आप कंज्यूम कम करते हो, मतलब खा लिया और फिर बैठ गए, एक्सरसाइज नहीं की या वॉक नहीं की या एक्सर्शन नहीं की, कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्ट हों तो बर्न हो सके कैलोरीज की फॉर्म में। तो अगर आप खाते हो और बैठ जाते हो तो उससे आपकी बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। आमना बेटा, यू रीड ऑल दीज लाइंस। Our intake of nutrients is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the amount required for normal growth, development and metabolism. The effects of our intake of nutrients are usually intensified when there is reduction in daily physical activity. Our intake of nutrients causes a number of health problems. For example, high intake of carbohydrates and fat leads to obesity, diabetes and cardiovascular problems. Similarly, high dose of vitamin A causes loss of appetite and liver problems. Excess intake of vitamin D can lead to deposition of calcium in various tissues. हाँ जी, अब वो कह रहे हैं कि अगर ओवर इनटेक आप कर लेते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाएंगी। एक तो ओबेसिटी बोलते हैं फैटनेस को, मोटापा हो जाता है। डायबिटीज, शुगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहे हो। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है ना शुगर्स का ग्रुप है पूरा, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑल दीज आर शुगर्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लोगे तो आपको शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आप जितना खा रहे हो उतना कंज्यूम नहीं कर रहे, या तो आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, उससे क्या होगा कि सारे जो बॉडी के अंदर जितना भी फूड आपने लिया वो डाइजेस्ट हो रहा है। वो डाइजेस्ट अगर नहीं होगा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अगर ओबेसिटी होगी, फैट अगर आप ज्यादा लेते हो जैसे घी, मक्खन, इस तरह की तली हुई चीजें आप खा रहे हो तो मोटापा होगा, शुगर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और कार्डियोवास्कुलर इनके हार्ट डिजीजेस, कितना एक सीवियर देखें यहाँ पे प्रॉब्लम है हार्ट का। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो मींस हार्ट, वास्कुलर हार्ट की वेसल्स में प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो फैट होता है ये हार्ट की वेसल्स को मोटा करता है, फिर ब्लड को गुजरने में प्रॉब्लम होगी, तो ब्लड प्रेशर टाइप इस तरह की चीजें, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। सिमिलरली हाई डोज ऑफ वाइटामिन ए कॉज लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगती है। अगर आप ज्यादा वाइटामिन ए ले लो तो भूख नहीं लगेगी, और लिवर जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, लिवर वो प्रॉब्लम करेगा। एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज, हमारे जो कैल्शियम है उसकी ज्यादा हो जाएगा, डिपॉजिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा वेरियस टिश्यूज में, तो ये सब चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर नुकसान देंगी। बोन्स जरूरत से ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, दैट इज नॉट गुड। इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, अब मैल न्यूट्रिशन मैंने उस दिन भी बताया था, ये सिर्फ ये नहीं आप समझे कि खाने की कमी हो गई है, बल्कि खाना अगर ज्यादा ले लो तब भी मैल न्यूट्रिशन, यानी कि इम्बैलेंस हो जाए अगर फूड आपका, तो दैट इज मैल न्यूट्रिशन। इसकी कुछ रीजंस हैं, इफेक्ट्स हैं इसके। आयशा, यू रीड ऑल दीज इफेक्ट्स। फर्स्ट स्टारवेशन है, सेकेंड हार्ट डिजीज, थर्ड कॉन्स्टिपेशन, एंड लास्ट ओबेसिटी। जी आयशा, स्टार्ट रीडिंग जी।
start reading. An effect of malnutrition. Extended malnutrition can cause starvation, diseases, constipation, and obesity. Starvation is a severe reduction. Is a severe reduction in nutrient energy intake and horrible. Aisha, stop it. Aisha, nutrition. Aisha, stop. Voice, आपको आवाज आ रही है आयशा की बिल्कुल क्लियर? ओह मैम, हाँ बहुत ज्यादा वो आपका ना आयशा, थोड़ा नेट का इश्यू, आपकी आवाज बिल्कुल लग रहा है आप गाना गा रही हैं. अच्छा कोई और बच्चा जो कि इसको रीड कर दे, ताहा आप बेटा रीड कर दो. ओके मैम. स्टारवेशन, स्टारवेशन का वैसे मीनिंग क्या होता है? इट्स एन इंग्लिश वर्ड, सिंपल. स्टारवेशन कहत, मैं भूख का रहना. हाँ कहत हो जाना, भूख मतलब कहत, खाना ना मिले तो फिर स्टारवेशन होती है, कहत साली बोलते हैं सब. जी starvation is a severe reduction in nutrient and energy intake and is the most horrible effect of malnutrition. In humans, prolonged starvation causes permanent organ damage and eventually results in death. Okay, आगे ये कोई इजी सा है, इसमें कोई जरूरत नहीं समझने की. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर कोई अगर इश्यू है तो आप क्वेश्चन कर लें. वैसे सिंपल सा है कि स्टारवेशन हो जाए तो ऑर्गन डैमेज, यानी कि ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे जो है वो बिल्कुल वीक होंगे, कमजोर होंगे, और उनकी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, स्टमक है, और बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है जैसे, वो ग्रो नहीं करेंगे और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी ह्यूमन बींग. जी आगे चलिए, हार्ट डिजीज. Yes, Taha. I'm आगे भी पढूं? जी जी पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ. Heart diseases are also increasing on the global level. One of the causes of heart diseases is malnutrition. Malnutrition. People who take unbalanced diet are more exposed to heart problems. ये मैंने पहले बता दिया, high in fats. अगर आप fats ज़्यादा ले रहे हो, तो that is also a malnutrition. और उसकी वजह से क्या आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स का जो है रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर्स का रिस्क ज्यादा हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कॉज हो जाता है. जी कॉन्स्टिपेशन, आयान यू रीड कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन, मालन्यूट्रिशन ऑफ्टन लीड्स टू सिचुएशंस वेयर पीपल कैन नॉट शेड्यूल देयर मील्स. दिस इररेगुलरिटी results in many health problems including constipation. अच्छा ये एक वैसे बड़ा important issue है जो आजकल mostly बच्चे भी करते हैं, students भी करते हैं. अब उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी diet को, खाने पीने के time को schedule नहीं करते properly, यानी कि जो हमारा एक routine है कि morning में breakfast करें, दोपहर में खाना खाएं और रात में मतलब खाना खाएं, लेकिन अब ऐसा होता है कि हम timings को इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करते, समटाइम्स ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, दोपहर में अगर खाया तो बहुत ज्यादा खा लिया, रात को भी अगर खा रहे हैं तो रात को ज्यादा नहीं खाया लेकिन लेट नाइट सोने से पहले बहुत सारा खा लिया, तो अगर आप स्केड्यूल नहीं करोगे अपने मील्स को, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का जो इश्यू है ना वो क्रिएट होगा. यानी कि अगर आपकी डाइट इरेगुलर है, टाइमिंग्स अगर प्रॉपर नहीं है, कितना वैसे टाइम होना चाहिए? अगर आपने एक खाना खाया मतलब एक टाइम पे मील ले लिया, तो कम अज कम 4 से 5 घंटे का गैप मस्ट होना चाहिए नेक्स्ट मील में. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम या तो बहुत पहले खा लेते हैं या फिर 8-8, 10-10 घंटों बाद खाते हैं. तो अगर ये जो इरेगुलरिटी है, इट कॉज कॉन्स्टिपेशन. ठीक है जी. जी ओबेसिटी, आयान रीड ओबेसिटी. ओबेसिटी, ओबेसिटी मींस बिकमिंग ओवरवेट. कॉज, ओबेसिटी इज ऑल्सो ड्यू टू मालन्यूट्रिशन. People who take food which contains energy more than their requirement and do very little physical work can become obese. Mother disease, obesity is known as a mother disease as it can give rise to heart problems, hypertension, diabetes. It could be given as MCQ, beta. ये कौन सी disease है जो कि ऐसे mother disease मतलब बीमारियों की माँ समझी जा रही है? तो that is obesity. अगर आपको obesity हो जाती है तो उससे आपको एक वक्त में बहुत सी डिजीजेस इंटरनल स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स,
हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में ना हो तो ये इट्स वेरी सीवियर कॉज ऑफ हार्ट अटैक और डायबिटीज, शुगर हो जाती है। शुगर भी आपको पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपकी सारी डाइट डिस्टर्ब हो जाएगी अगर डायबिटीज हो जाए तो, शुगर की अगर प्रॉब्लम हो जाए, बहुत सी चीजें आप खा ही नहीं सकते हो, अगर खा लेते हो तो वो बॉडी में कंज्यूम नहीं होती शुगर, तो उससे आपको फिर बॉडी पेन्स हैं या और इसकी वजह से शुगर की वजह से हाइपरटेंशन भी होता है। तो इसलिए ओबेसिटी इज द मदर डिजीज ऑफ अदर डिजीजेस। ठीक हो गया। एक और अच्छा, ये इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइट पे दी गई है, इट कुड आल्सो बी गिवन एज एमसीक्यूज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस मोर देन 25,000 पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन एवरी डे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, रोज तकरीबन 25,000 लोग भूख की वजह से, इनकी उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। ऑन एवरेज एवरी 5 seconds अ चाइल्ड डाइज फ्रॉम स्टारवेशन। हर 5 सेकंड के बाद एक बच्चा जो है वो भूख की वजह से मरता है। हमें लगा कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हर तरह का खाना खाते हैं और 3 times खाते हैं और हमें कोई ऐसी कमी नहीं है। ऐसे है ना स्टूडेंट्स? Yes. वरना कुछ बच्चे दुनिया में देखे ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता और वो खाना ना मिलने से मर जाते हैं। कौन सी कंट्रीज हैं बेसिकली, कोई आइडिया है आप लोगों को? जहाँ पे यस, इथोपिया है, अमेरिका की कुछ, इवन पाकिस्तान में भी हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर भूख की कमी है, बलूचिस्तान के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पर। मैंने देखा था एक कंट्री में भूख की इतनी कमी थी कि जो वहाँ रोटी है ना वो मट्टी से बनती थी। कंट्री का नाम ज़हन में नहीं आ रहा मगर था। अच्छा, तो मिट्टी वाली रोटी खा लेते थे वो, यानी कि मिट्टी खा लेते थे क्योंकि पेट तो भर रहा था ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हाँ देखें आप, मजबूरी में इंसान फिर क्या क्या करता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यूट्रिशन। ये बस हमारा आज जो है वो सॉरी, न्यूट्रिशन तो चैप्टर का नाम है, हमारा टॉपिक है फेमाइन द मेजर कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। फेमाइन का मीनिंग भी यही है, कहत, खाने की कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है जी, अब किससे कहूँ पढ़ने को? साथ बेटा आप ले लो टर्न। फेमाइन, फेमाइन द मेजर कॉज ऑफ मैलन्यूट्रिशन। फेमाइन मींस द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एरिया। द मोस्ट टेरिबल फेमाइन ऑफ द 20th सेंचुरी आर द इथियोपियन फेमाइन एंड द नॉर्थ कोरियन फेमाइन 1990s। द मेजर कॉज ऑफ फेमाइन आर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ food drought, flooding or flooding or increasing population. हाँ जी, अभी आगे से पॉइंट्स आप इसके देखोगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो फेमाइन है, lack of food है, ये इसकी मतलब food का मतलब ये नहीं कि बस आपको रोटी मिल जाए और आप, या कोई थोड़ी सी कोई साथ रोटी के साथ लगाने के लिए कोई चीज और मिल जाए तो आपका खाना पूरा हो गया। अभी आपने पीछे देखा कि न्यूट्रिशन इज अ फुल बैलेंस्ड डाइट। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि आप फुल बैलेंस्ड डाइट खाओ। अब कुछ एरियाज में ऐसा है कि वहाँ पे जस्ट मिनरल्स वाले फूड हैं, बाकी उन्हें ना प्रोटीन मिल रही है ना उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, जस्ट दे ईट मिनरल्स, तो इस ये भी मैलन्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा ना, ऐसे ही है ना। अब कुछ बच्चे हैं जिनको फल मिलता ही नहीं कभी, जस्ट उन्हें खाना मिल रहा है और ना उन्हें फल मिल रहा है ना उन्हें दूध मिल रहा है पीने के लिए, तो इससे उनकी बॉडी में बहुत सी डिफिशेंसीज हो जाएंगी डिफरेंट विटामिंस की, डिफरेंट मिनरल्स की। तो मैल न्यूट्रिशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूख ही आ जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, अगर मिल भी रहा है तो वो इनकम्प्लीट फॉर्म में है। कुछ एरियाज में आपको पता है ये जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत से एरियाज में कंट्रीज में बच्चों के लिए स्पेशल ये दूध के डब्बे वहाँ भेजे जाते हैं, इसलिए कि उन्हें खाना तो मिल जाता है, नॉर्मल 2 times खाना मिल रहा है, लेकिन उन्हें पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा या उन्हें फ्रूट्स नहीं मिल रहे, तो इन चीज़ों को भी मस्ट ऐड होना चाहिए हमारी डाइट के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको वन बाय वन टॉपिक देख लेते हैं, इसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जी साथ बता रहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। The achievement in science have enabled human beings to produce better food in terms of quality and quantity. Today, the agricultural practices produce more than enough food that can be supplied to everyone on earth. But due to political and administrative problems, food is not equally distributed to
different regions of the world. The result is that there is why always plus food in countries like America, UK and Canada, and at the same point at the same time people have nothing to eat in countries like Ethiopia and Somalia, etc. जी वो आपसे आपको कह रहे हैं कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए खाना, देखिए वो बता रहे हैं कि हम बना तो मतलब फूड तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं हम, लेकिन किसी एरिया में बहुत ज्यादा फूड सप्लाई है, सरप्लस फूड है, एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा फूड है किसी एरिया में, लेकिन जैसे कि अमेरिका है और उसके यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन कुछ एरियाज में फूड जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहा, जैसे कि इथियोपिया और सोमालिया, इन कंट्रीज में फूड की स्टाव है, कमी है, लेकिन कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा सरप्लस फूड है। तो ये क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। हमारी आपको पता है ना सियासत भी बहुत चलती है, तो सियासत की वजह से और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जी आगे चलते हैं। आमना बेटा यू रीड द नेक्स्ट लाइंस। अगर बहुत लंबे अरसे तक बारिश ना हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगी प्रॉपरली, और उस वजह से भी फेमाइन हो सकता है कि अगर फसलें नहीं पैदा होंगी तो फिर खाने पीने की कमी हो जाएगी। अब हमारे कंट्री में आजकल स्टूडेंट्स आप बता सकते हो कौन सा इशू क्रिएट हो रहा है जिससे सुनने में आ रहा है कि खाने पीने की कमी हो सकती है कंट्री में? हमारी फसलों पर कौन सा इशू क्रिएट हो रहा है, कुछ आइडिया है? जी फ्लड तो बेटा हर साल आता है, उसके लिए तो हम यूज टू हैं और हमारे पास उसके लिए कुछ मतलब प्रिकॉशंस भी हम लेते हैं हर साल, वो तो एक हमारी हमें आइडिया है। एक और नया इशू रेज हो रहा है, न्यूज में आता है, ये जो टिड्डी दल का हमला हो रहा है। हाँ जी, अब ये जो टिड्डी दल का हमला है इससे अब क्या हो रहा है, अब पॉलिटिशियंस बोलना शुरू हो चुके हैं कि अब महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगी इसलिए कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली टिड्डी दल की वजह से ग्रो नहीं कर रही और हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। इवन खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है पाकिस्तान में, और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, महंगाई भी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फ्लडिंग आ गया। फ्लडिंग में भी यही है कि बहुत ज्यादा अगर बारिशें हो जाएं, एक तो ऊपर ड्राउट था ना कि बारिशें ना हो तो फसलें नहीं बनती, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो उससे भी हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से भी जो है वो खाने पीने की अगर कमी होगी इट्स ऑल्सो लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन। अच्छा जी, और इट्स नॉन एज शॉर्ट टर्म फेमाइन, जो फ्लडिंग है ना इससे कौन सा फेमाइन होता है, शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े अरसे के लिए कहत। हाँ जी कहत, लेकिन ये जो ऊपर ड्राउट आपने देखा, ड्राउट जो है वो लॉन्ग टर्म फेमाइन कॉज करता है, क्योंकि ड्राउट बेसिकली खुद एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, बहुत लंबे अरसे तक बारिश ना हो तो ड्राउट वो मतलब फसलें नहीं बनती, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक और रीजन है। जी आयशा आप रीड करो, देखो शायद अब ठीक हो गया हो आपका इंटरनेट। Increasing population. In spite of the global increase in food production, millions of human beings are undernourished. In the overpopulated regions of world, large populations overuse natural resources to grow maximum food in order to meet the problems of food shortage. It leads to dry and infertile lands and depletion of resources. Depletion means coming. जी, depletion का मतलब होता है shortage, lacking of resources. In such situations, crops can no longer be grown and famines result. जी, obviously overpopulation होगी, हमें बहुत ज्यादा grow करना पड़ेगा agriculture को, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो जमीन है, जो अर्थ है, वो आहिस्ता आहिस्ता dry होना शुरू हो जाएगी और infertile, उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी लो हो जाएगी। रेस्ट टाइम आप कम दोगे अगर किसी सॉइल को, बार बार वहां पे हम ग्रो करेंगे क्रॉप्स ताकि हमारी जो खाने पीने की जरूरतें वो पूरी हो सकें, इट विल लीड्स टू द इनफर्टिलिटी, और उसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीशन हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी।
और इस तरह की सिचुएशन में भी फेमाइन जो है वो रिजल्ट कॉज करता है. अंडर नरिश्ड का मतलब क्या होगा, जो अंडर नरिश्ड ऐसे एरियाज अभी भी हैं दुनिया में जहां पर खाना पीना अभी भी कंप्लीट हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उनकी फूड सप्लाई को आप मीट नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज अंडर नरिश्ड. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अभी आपका आज का कंप्लीट जो है ये एक समझो कि एक कंप्लीट वो टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है. कल से इंशाल्लाह वी विल स्टडी डाइजेशन इन ह्यूमन, सारा हम अपना इंटरनल सिस्टम पढ़ेंगे. इसमें से अब आपका जो जस्ट लर्न बहुत अच्छा कीजिएगा स्टूडेंट्स. कल भी मैं इसी तरह आपसे ना जैसे आज क्वेश्चंस कर रही थी कल भी करूंगी. अब आज का होमवर्क ये है कि मैं बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क नहीं इतना देना चाह रही, आपकी लर्निंग ज्यादा मुझे लग रही. इसमें से अब आप बता दो एमसीक्यूज निकालना चाह रहे हो 5 या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू. चलें ठीक है ठीक है, एमसीक्यूज बना लें, एनी 5 एमसीक्यूज. ठीक है आप खुद से निकालिएगा, उसकी ऑप्शंस बना सकते हो खुद से 4 क्योंकि एमसीक्यूज में एक आपके पास आई थिंक की बुक्स हैं जो बड़े आराम से आपने ओके कर दिया, वरना एमसीक्यूज के ऑप्शंस बनाने के लिए सोचना पड़ता है ना जी मैम. चलें ठीक है, जस्ट एमसीक्यूज ही आप इसमें से कर लें. वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट हैं इन टॉपिक्स के. इस चैप्टर में से पूरा लॉन्ग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे होते हैं. जैसे व्हाट इज एनीमिया, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आ रहा होता है. इसके अलावा ग्वाइटर के पे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है. देन ओबेसिटी, how malnutrition leads to obesity या how obesity is known as mother of disease, इसका short question बनता है. बस इस तरह के short questions इस chapter में से आ रहे होते हैं. Students जैसे आपको ये chapter लगा कैसा है, easy सा है ना, इतना कोई खास इसमें कोई conceptual चीजें नहीं है, normal है जैसे आप normal एक social studies type chapter है. Yes ma'am. अब जी अच्छा बाकी आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है. वैसे आज 2-3 मिनट बच गए हैं तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना कैसा एक्सपीरियंस है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस. आयान आप पहले बताओ, अपने शेयर करो व्यूज. न्यू यस स्ट्रेंज, हम नया एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंज नया स्ट्रेंज है तो अच्छा लग रहा है यार, नया एक्सपीरियंस करने चाहिए. यानी कि अच्छा लग रहा है आपको. एंड साद यू जब हटे तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में, लेकिन बाहर की कंट्रीज में आपको पता ऑनलाइन क्लासेस का काफी एप्टीट्यूड है, हमारे यहाँ नहीं है इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया. ताहा आपको कैसा लग रहा है, कुछ बच्चे तो मजे में है मुझे लग रहा है, टीचर को क्या पता, टीचर को क्या पता बच्चा क्या कर रहा है, हम तो आपको नहीं ना उस तरह से देख पा रहे, तो कुछ बच्चे तो मुझे लगता है नुकसान है. हाँ अपना ही नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही अपना ही नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे. और एंड आयशा व्हाट अबाउट हनीन, हनीन क्यों नहीं आ रही है आजकल, तबीयत तो ठीक है उनकी. मैम पता नहीं आज व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन नहीं थी. अच्छा कल परसों थी जी मैम. अच्छा चले उन्हें मैसेज दीजिएगा कि टीचर आपको याद कर रही थी, आप क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो, आपके पास तो टाइम है, ग्रेड 9 आपके पास तो टाइम है, आपको हम रिपीट थोड़ा बहुत करवा सकते हैं ना, लेकिन फिर भी इतना नहीं रिपीटेशन होगा, कुछ चीजें मैं रिपीट करवाऊंगी जैसे चैप्टर 7. चले ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके टाइम इज अप, अल्लाह हाफिज. Love is ma'am. Love is. Jack bhi kar rahe the. Tumne Jack bhi kiye the, ma'am. The first attack. Ye to maine pucha tha na ki Teddy Bear kahan hai. Sorry guys. Ye kya likha hai? Aisha no. Sorry guys ko likha tha. वो ना उस पढ़ रही थी तो उसका नेट स्लो था तो खुद बातें कर रहे हैं मैं बोलती